ये जो नाभि है ना शरीर में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्र में इसे दूसरा मस्तिष्क कहते हैं। नाभि डिगना या नाभि खसक जाना नामक बीमारी होती है। इससे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, कब्ज की शिकायत, घुटने में दर्द, आंख की रोशनी चली जानी, पीलिया, पेट दर्द, तरह तरह की बीमारियां होती है नाभि डिगने से या नाभि खिसकने से। और ये जो नाभि है ना, नाभि से हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं जुड़ी हुई है और सारी नाड़ियां जुड़ी हुई है, इसलिए तो शास्त्र इसे दूसरा मस्तिष्क कहता है। तो इसका देखभाल हम कैसे करें? इसका देखभाल करने का तरीका है, आप रात में सोने से पहले 2 बूंद तेल से नाभि में डालें, चाहे आप सरसों का डाल डालें या नारियल का डालें या अरंडी का तेल डालें, कस्टर्ड ऑयल डालें, या जो भी तेल आप में उपलब्ध हो, तिल का तेल डालें, तो एक बादाम का तेल डालें। ये डालने से आपके चेहरे पे अलग रौनक रहेगी, आपका पेट कब्जियत नहीं होगा, आपका पेट खराब नहीं होगा। सारे जो रोग होता है ना, वो पेट के कारण होता है, तो आप सारे रोग से बचे रहेंगे। घुटने का दर्द, लीवर खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगा, हार्ट की बीमारी। तो नाभि का देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अब तक आप नाभि का देखभाल नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। नाभि में रात में सोने से पहले 2-4 बूंद तेल डाल लीजिए और नाभि के नीचे के हिस्से को थोड़ा हल्के हाथों से मालिश कीजिए। आप तरह तरह के पेट की बीमारी से, लीवर की बीमारी से, हार्ट की बीमारी से, जितनी भी बीमारियां हैं, घुटने में जोड़ दर्द होता है उसे बीमारी से, आपका एड़ी फटता है, चेहरे पे झुर्रियां, दाग धब्बे, स्किन प्रॉब्लम सबसे दूर होगा। इतना महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कोई बच्चा होता है ना माँ के पेट में, तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है? वो नाभि के जरिए मिलता है। आप सोच लीजिए नाभि कितनी महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और उसका हम देखभाल नहीं करते। तो आज से शुरू कर दीजिए तेल डालना, आप देखिए आपके जीवन में आपका स्वस्थ लाभ होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना हमारा पहला धर्म है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, घर का काम करेंगे। आप नाभि में का सुरक्षा कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।